मेरा नाम है मिक्की और आज मैं आप लोगों को एक एडजस्टेबल डंबल्स का ओवरव्यू दूंगा जो कि है सुपर डंबल्स बाय 1RM। तो चलिए शुरू करते हैं। सुपर डंबल्स को 1RM की वेबसाइट से डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलते हैं 2 ओलंपिक डंबल रॉड्स, 4 लॉक्स मिलते हैं आपको, 4 5kg की प्लेट्स मिलती है, 2.5kg की आपको टोटल 8 प्लेट्स मिलती है। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 4 प्लेट्स है क्योंकि मैंने डंबल काफी पहले लिया था जब सुपर डंबल्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। इंडिविजुअल प्लेट्स और इंडिविजुअल रॉड्स ली थी मैंने। अब सिर्फ इस सेट के साथ आप वैरायटी ऑफ डंबल्स बना सकते हैं घर पे, जैसे कि 5kg, 7.5kg, 10kg, 12.5kg, 15kg, 17.5kg, 20kg, 22.5kg और 25kg तक के डंबल्स को आप बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको डंबल रोज करना है सिंगल डंबल से, तो आप सिंगल डंबल को 27.5 और 30kg तक भी लेकर जा सकते हैं। अब मैं आपको एक बारी थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ आप डंबल्स को कैसे असेंबल करेंगे। अगर आपको 5kg के डंबल्स यूज करने हैं तो आप सिर्फ रॉड यूज कर सकते हैं जो कि 5kg की है। अब अगर आपको 7.5kg यूज करना है तो आप एक 2.5kg लीजिए, उसको लॉक कर लीजिए। अब ये 7.5kg का डंबल है। 10kg के लिए आप एक और 2.5 लगाएंगे और फिर ये आपका डंबल 10kg का हो जाएगा। 12.5kg के लिए आप एक साइड 5kg की प्लेट लगाएंगे और एक साइड 2.5kg की और फिर ये आपका डंबल 12.5kg का। और 17.5kg का डंबल बनाने के लिए आप दो साइड 5kg लगाएंगे और एक साइड में 2.5, फिर ये आपका 17.5kg का डंबल बन जाएगा। अब अगर हम ग्रिप की बात करें तो क्योंकि जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है डंबल्स में वो थोड़ा सा डिफरेंट है, एक साइड थोड़ा ज़्यादा और एक साइड थोड़ा कम है, तो इस केस में अगर हम डंबल्स को बीच में से उठाएंगे तो जो आपका वेट होगा वो एक साइड की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिससे आपको रिस्ट में प्रेशर पड़ सकता है। तो इसलिए पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं उसकी उस ग्रिप को थोड़ा सा राइट साइड में या जहाँ वेट ज़्यादा है उस साइड में पकड़ूंगा, ताकि जो मेरा जो स्ट्रेस है रिस्ट पे वो कम से कम आए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो ये डंबल्स है मैं इनको वर्टिकली पोजीशन में या ओवरहेड पोजीशन में 17.5kg से ज़्यादा नहीं लेकर जाता, क्योंकि इनकेस अगर इसका लॉक लूज हो गया तो जो वेट्स है वो आपके ऊपर या ज़मीन पर गिर सकते हैं, और क्योंकि ये कास्ट आयरन प्लेट है तो डैमेज ज़्यादा होगा। तो जब भी आप इन डंबल्स के साथ या किसी भी एडजस्टेबल डंबल्स के साथ ओवरहेड प्रेस में ज़्यादा वेट ले तो प्लीज़ ध्यान रखिए और लॉक्स को अच्छे से चेक कर लीजिए कि वो कहीं से भी लूज़ या स्लिप ना हो। तो मुझे पर्सनली इन डंबल्स को यूज़ करते हुए 8 महीने से ऊपर हो चुका है और अब तक मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इनके साथ काफी बढ़िया रहा है। तो कोई भी एडजस्टेबल डंबल्स जो है वो ट्रेडिशनल डंबल्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आप उनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। ट्रेडिशनल डंबल्स जो होते हैं उनकी अपनी अलग जगह है, बट घर के अंदर अगर आपको अपने घर के लिए डंबल्स चाहिए तो आप डंबल सेट लेने जाएंगे तो आपको पहला वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, दूसरा वो बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। एडजस्टेबल डंबल आपको उसी साइड पर आपको कम पैसों में ज़्यादा वैरायटी ऑफ डंबल्स बनाने का चांस देते हैं, प्लस जो आपके घर में स्पेस है वो भी काफ़ी कम यूटिलाइज करते हैं। तो जो आपकी डंबल रॉड का साइज़ है वो 19.5 इंचेस के आसपास है, प्लस जो आपकी प्लेट्स है वो सारी 50mm की प्लेट्स है जो किसी भी ओलंपिक बारबल में यूज़ हो जाएगी। तो ठीक है, एक बार मैं आपको कुछ वर्कआउट्स करके दिखा देता हूँ अनइवन डंबल सेट्स के साथ, जहां पे हम डिफरेंट वेट्स यूज करेंगे सेम डंबल के अंदर।
इसी के साथ हम वीडियो की एंडिंग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर एडजस्टेबल डंबल से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। ईट हेल्दी, स्टे फिट।